होता क्या है कि जैसे बोलेगा कि ये मान लो इंटीग्रेशन निकालना, तो नॉर्मल इंटीग्रेशन तुमको आता है निकाल दीजिए, लेकिन बोलेगा बाय डिफिनेशन निकालो तो ऐसे निकालना है, ठीक है, याद रखो। तो ये जो लोअर लिमिट ये अपर लिमिट होता है, तो यहाँ पे तुमको जो भी बना रहे हो हमेशा एनएच निकालना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर एनएच क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। अब जब सम बनाओगे तो तुमको बहुत सारी चीजें आएंगी रास्ते में, तो तुमको पहले से हम बता दे रहे क्या क्या चीज आने वाला है। जैसे मान लो अगर तुमको बोला जाए कि वन अप टू एन, ऐड करोगे तो कितना आएगा, याद रखना एन आएगा। जैसे एक दस बार आएगा तो कितना होगा, दस। इसी तरह वन एन बार आएगा। अच्छा कोई बोलेगा टू डॉट 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 एन बार आएगा तो कितना हो गया, टू एन। इसी तरह थ्री डॉट 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 एन बार कितना हो जाएगा, थ्री एन। तीसरा नंबर कि ऐसा भी एक आएगा कि वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एंटर, इसका सम निकाल, इसको हटा के क्या लिखेंगे। हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे एपी में, इसका सम कैसे निकालते हैं, एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। ऐसा सिचुएशन आ गया तब क्या करेंगे, वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर डॉट 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 क्या एन स्क्वायर, एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। ऐसा भी आ सकता है वन का क्यूब दो का क्यूब तीन का क्यूब डॉट 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 और यहाँ पे एन का क्यूब। इसका वाला इजी है, ये होता है किस पर एन प्लस वन बाई टू का क्या स्क्वायर, ठीक है। ये सब सारी चीजें आएंगी, और भी कुछ चीज आएगा, जैसे सम जब बनाओगे ना तो ये आएगा और इसके साथ एच स्क्वायर आएगा, तो क्या कैसे सेट करना है। मान लो ऐसा सिचुएशन आ गया एच और एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ऐसा सिचुएशन आ गया, तो उसमें याद रखना तुम्हारा हमेशा कोशिश रहेगा एन एच लाने का, हमेशा कोशिश रहेगा। तो यहाँ एच स्क्वायर मैंने दो तो एच है, तो एक एच इसके साथ लिख देना और एक एच अंदर मल्टीप्लाई करवाना। देखो कैसे होगा, एन इंटू एच, एक एच इसके साथ आई टू एच बचा है अंदर ले लेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा एन एच प्लस एच, ठीक है। तो एन एच का वैल्यू क्या रखेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा, सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, ठीक है। और एच का वैल्यू क्या है जीरो पुट कर देंगे, सवाल बढ़ गया, ठीक है। अच्छा ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि एच क्यूब रहे, ठीक है, यानी यहाँ तीन सौ है तो यहाँ भी तीन सौ रहना चाहिए, एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई कितना सिक्स। तो एक एच किसके साथ जाएगा, टेस्ट होगा इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे एन एच प्लस एच टू एन एच प्लस एच डिवाइडेड बाई सिक्स, राइट। इसका वैल्यू मालूम है लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ भी मालूम है, यहाँ जीरो, यहाँ मालूम है, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ जीरो बाई सिक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब सारी काम की चीजें हैं जो अभी सम बनाएंगे, ये पूरा का पूरा उसमें आएगा, ठीक है। इतना उतार लो तो एक सम बनाएंगे, सारा समझना जाएगा। और एक चीज़ है जीपी, कहीं कहीं की पावर वाला ऐसे देगा तो वहाँ पे जीपी का तुमको याद रखना पड़ेगा। जैसे ए यहाँ पे क्या होता है, ए आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके एन टर्म तक होता है। इसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आर का वैल्यू एक से बड़ा हुआ तब, कॉमन रेशियो एक से ज्यादा हुआ तब, एक से ज्यादा मतलब दो तीन चार पाँच छः ऐसे करके या डेढ़। अच्छा एक से कम होगा तो वन आगे चला जाएगा, एक से कम होगा तो ऐसे, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है इन दोनों में से कौन लगाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी के अंदर से ही सारा सम बन जाएगा, ठीक है, इसको उतार लो, उसके बाद एक सम बता देगा।